हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास सिक्स के चैप्टर नंबर वन की, डेट इज फूड एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम, कि जो आपका फूड है, खाना है ना, वो कहाँ से आता है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ दैट फूड, राइट। जैसे कि आपके घरों में दूध आता है, तो अगर आपसे मैं पूछूं कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ मिल्क, तो आप क्या कहेंगे कि भाई हमारे यहाँ पे तो दूध वाले भैया दे के जाते हैं, तो डैट मीन्स कि दूध वाले भैया इज द सोर्स ऑफ मिल्क, राइट। या फिर अगर मैं आपसे कहूँ कि जो आप चपातियाँ खाते हैं या जो आप दाल खाते हैं, उसका सोर्स क्या है, तो आप कहेंगे कि भाई आप तो जो है शॉप से लेके आते हैं, तो डैट्स मीन्स कि शॉप इज़ द सोर्स ऑफ रोटी एंड सो एंड दाल, है ना। तो ऐसा ही है, ऐसा नहीं है ना। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ मिल्क, सो मिल्क कहाँ से आता है, दूध वाले भैया दूध कहाँ से लेके आते हैं, उन्होंने अपने यहाँ पे कैटल्स रियर कर रहे होंगे क्या, वो उनके यहाँ पे गायें भैंस होंगी, राइट, वहाँ से वो दूध वहाँ से लेके आते हैं, तो गायें भैंस यानी इट मीन्स कि एनिमल इज द सोर्स ऑफ मिल्क, राइट। सेम एज जैसे कि दाल की बात कर रहे हैं, या जो आप आटा लेके आते हैं, गेहूं का आटा जिसकी रोटियां बनती हैं, तो गेहूं पहले आपका गेहूं क्या है, गेहूं की फसल उगाई जाती है, जो हमारे किसान भाई हैं, जो फार्मर्स हैं, वो गेहूं की फसल जो है खेतों में उगाते हैं, देन जो है वहाँ से एक लंबे प्रोसेस के थ्रू, राइट, आपकी गेहूं में से आपका जो है गेहूं के दाने यानी कि जिसको ग्रेन्स अनाज बोलते हैं वो निकलते हैं, देन वो आपके आटा चक्की में वहाँ पर वो पीसते हैं, एंड देन गेहूं से आपका बनता है आटा, और फिर वो आपका आता है शॉप तक या आपके घरों तक पहुँचता है, ठीक है। इसी तरह से आपकी दाल है, दाल की भी आपकी फसलें होती हैं, क्रॉप्स जो हैं वो होती हैं, क्रॉप क्रॉप यानी कि फसल, है ना। खेतों में आपने देखा होगा कि जब कहीं रास्ते में जा रहे होंगे तो आपने खेत देखे होंगे, कहीं पे आपने गेहूं के खेत भी देखे होंगे या आपने गन्ने के खेत देखे होंगे, इसी तरह से आपके दाल के भी पौधे या क्रॉप जो है वो आपकी उगाई जाती है, राइट। तो देन आपकी दाल जो है, दाल आती है आपकी, तो इस तरह से जो है अब राइट। तो अब आपको ये समझ में आया होगा कि जो आप गेहूं या जो आटा जो रोटियां खा रहे हैं उसका सोर्स क्या है, प्लांट, जो दाल है उसका सोर्स क्या है, प्लांट, प्लांट आप जो है उगा रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, और देन आपका वहां से वो प्रोडक्ट निकल के आ रहा है, राइट। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि सोर्स क्या है, राइट, कि अल्टीमेटली वो चीज़ जो है कहाँ से आ रही है, कहाँ से वो बन रही है, ठीक है, आ कहाँ से रहे। इसी तरह से जैसे एग्स हैं, एग्स कहाँ से, एग का सोर्स क्या है, एग का सोर्स क्या है, मुर्गी, ठीक है, मुर्गी अंडे दे रही है तो सोर्स क्या है, मुर्गी, ठीक है। इसी तरह से अगर आप फिश खा रहे हैं, ठीक है, फिश या चिकन, तो उसका सोर्स क्या है आपका, फिश, एनिमल, तो वहाँ पे सोर्स क्या है, एनिमल, जिससे आपको वो प्रोडक्ट मिल रहा है, राइट। हम बात करते हैं फूड की, कि फूड क्या है, राइट। तो एक सिंपल तो आपको पता ही है कि भाई जो हम खाते हैं डेट इज फूड, राइट, लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी, व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन, फूड इज व्हाट प्लांट एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स ईट टू सर्वाइव। देखिए यहां पे एक टर्म आई है, डेट इज टू सर्वाइव, भाई हम सब जो भी एनिमल्स हों चाहे प्लांट्स हों, बिकॉज प्लांट्स भी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो भी अपना फूड जो है खाना तैयार करते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम ह्यूमन बीइंग्स भी हैं, तो राइट, तो सब खाना किस लिए खा रहे हैं, जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, बिकॉज क्या है कि अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा, हमारी जो बॉडी है वो काम नहीं करेगी, एनर्जी नहीं आएगी, राइट। और ऐसा भी हो सकता है कि जब हम कई दिनों तक अगर हमें खाना ना मिले तो हम जो है मर भी सकते हैं, ठीक है। तो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है खाना खाना, ठीक है, वो आप फिर डैट्स डिपेंड ऑन कि आप क्या खा रहे हैं, डैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, राइट। तो वी ईट फूड टू सर्वाइव इट, राइट। फर्दर इसमें क्या है, इट प्रोवाइड एनर्जी टू डू डिफरेंट एक्टिविटीज सच एज सिटिंग, वॉकिंग, प्लेइंग, वर्किंग एक्सेट्रा। अब फूड से क्या है, हमें एनर्जी मिलती है, एनर्जी, कोई भी काम हम कर रहे हैं, हम खेल रहे हैं, हम बैठे हैं, हम खड़े हैं, हम चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, ठीक है, हम आप लोग अपना होमवर्क कर रहे हैं,
राइट, आप लोग खेलने जा रहे हैं फील्ड में, ठीक है, तो इन सब काम के लिए, इन सब एक्टिविटीज़ के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, राइट। आप अगर आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी तो आप क्या होगा, आपका एनर्जी लेवल डाउन होगा और आप जो है ये काम नहीं कर सकते। तो कोई भी काम करने के लिए क्या चाहिएगी आपको, एनर्जी, और एनर्जी कहाँ से आएगी आप, और एनर्जी आपको कहाँ से मिलेगी, फूड से, राइट। नेक्स्ट फिर, एंड ऑल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी टू स्टे हेल्थी एंड रिकवर फ्रॉम एनी डैमेज और एनी डिजीजेस। फर्दर फूड से क्या है कि फूड हमें क्या है, फूड हमें चाहिए प्रॉपर जो है प्रॉपर ग्रोथ के लिए, बॉडी के लिए, क्योंकि फूड में देखिए बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, है ना, विटामिन्स होते हैं, ये सब किस में मिलते हैं, हमें फूड से मिलते हैं, राइट। और ये सब किस लिए ज़रूरी होते हैं, हम हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए। आपने सुना भी होगा, घर में बड़े आपको कहते हैं कि भाई अच्छे से खाना खाओ तभी जो है तुम जल्दी जल्दी बड़े हो जाओगे। तो बड़े होने से मतलब कि आपकी बॉडी का जो ग्रोथ है वो उतना ही अच्छे से होगा, उतना ही प्रॉपरली होगा, राइट, उतनी जल्दी आपकी हाइट इंक्रीज होगी, है ना। तो ये हमारा जो फूड है वो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है, ठीक है। एंड फर्दर टू स्टे हेल्थी, बिकॉज अगर हम सही से खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा, हम बीमार पड़ जाएंगे। तो अगर हमें हेल्थी रहना है, स्वस्थ रहना है, तो हमें क्या है, टाइमली प्रॉपरली जो है खाना खाना चाहिए, ठीक है। एंड रिकवर फ्रॉम एनी डैमेज और एनी डिसीजेज। और आपने देखा भी होगा, जब भी हमें जो है कोई चोट लगती है या हम बीमार पड़ते हैं, राइट, तो डॉक्टर्स और जो पेरेंट्स हैं वो क्या क्या हमें एडवाइस करते हैं कि हम जो है अपनी डाइट पे ध्यान दें, अच्छा हेल्थी खाना खाएं, है ना। जैसे फूड पॉइजनिंग कई बार हो जाती है ना, फास्ट फूड आपने ज़्यादा खा लिया, राइट, तब आपको एडवाइस दी जाती है कि भाई आप जो है घर का बना खाना खाएं, हेल्थी खाना खाएं, ठीक है, हल्का खाना खाएं उस टाइम पे, राइट। तो जो हमारी हमारा फूड है, राइट, तो उससे क्या है, हमारी बॉडी बॉडी भी जो है बॉडी जल्दी रिकवर करती है किसी भी डिसीजेज से, कोई भी किसी बीमारी से या कोई भी डैमेज है उससे, राइट। तो फूड का हमारे लाइफ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेराइटीज ऑफ फूड, वेराइटी फूड में अलग अलग वेराइटीज, जैसे कि अगर आप ब्रेकफास्ट में बात करें तो ब्रेकफास्ट में हम मोस्टली क्या लेते हैं, जैसे कि आप दूध दूध लोगे, या फिर आप एग, या फिर फ्रूट्स, या कुछ लोग आलू के पराठे या इस तरह की चीज़ें भी खाते हैं, है ना। तो दिस इज़ द वेराइटी ऑफ फूड, ठीक है। उसी तरह से लंच में आप दाल रोटी लेते हैं, दाल दाल चावल, है ना, या चिकन, है ना, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो। ये क्या है, दिस इज द वेराइटी ऑफ फूड, रोटी, दाल, चिकन, मिल्क, राइट, ब्रेड, एग, दिस इज द वेराइटी ऑफ फूड, ठीक है। ऐसे ही अगर आप किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जा रहे हैं तो हर एक प्लेस पे जो है एक एक फेमस आपको एक फूड आइटम वहाँ पर में मिलेगा। जैसे कि अगर आप बिहार में जाएं तो वहाँ पे लिट्टी चोखा काफ़ी फेमस है, सेम योर गुजरात में जो है वहाँ थेपला काफ़ी फेमस है, उसी तरह से आपका महाराष्ट्र में वड़ा पाव, राइट, साउथ इंडिया में के जो लोग हैं वो वहाँ पे इडली डोसा काफ़ी काफ़ी ज़्यादा खाते हैं, उसी तरह से वेस्ट बंगाल में मच्छी चावल काफ़ी खाया जाता है, राइट। तो दिस इज़ द वेराइटी ऑफ फूड, है ना, जो कि आपकी डिपेंड करती है वहाँ उस पर्टिकुलर रीजन में, कि वहाँ पर जैसे कि वेस्ट बंगाल में है, राइट, तो वहाँ पर क्या है कि आपका मछली जो है इजीली अवेलेबल रहती है, तो वहाँ के लोग मोस्टली जो है मछली चावल खाना पसंद करते हैं। तो डिपेंड करता है कि वहाँ पे किस चीज़ की अवेलेबिलिटी है, एक चीज़ तो ये है कि वहाँ पे कौन सी चीज़ इजीली आपकी अवेलेबल है, दूसरा डिपेंड करता है कि आपकी लाइक्स और डिसलाइक्स पे आप क्या पसंद करते हैं, है ना। तो अपने टॉपिक आप पे आते हैं, डेट इज़ द वेराइटी ऑफ फूड क्या है, तो दाल, रोटी, राइस, मिल्क, इडली, फिश, चिकन, एग, फ्रूट्स आर डिफरेंट फूड आइटम्स, एंड इसी को हम बोलते हैं वेराइटी ऑफ फूड, ठीक है। अब बात करते हैं, अब जो ये फूड आइटम्स हैं, ठीक है, इनमें इंग्रेडिएंट क्या है, जैसे कि अगर हम रोटी बना रहे हैं तो रोटी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिएगा, रोटी बनाने के लिए हमें क्या चाहिएगा,
आटा चाहिएगा, गेहूं का आटा चाहिए, और क्या चाहिए? और पानी चाहिए। पानी किस लिए? वो जो आटा जो है, आटा गूंथने के लिए, राइट? ठीक है, आटे को तैयार करने के लिए, जिससे कि आपकी रोटियां बनाई जा सके। आपने घरों में मम्मी को आटा गूंथते हुए देखा भी होगा, राइट? तो दीज आर द इंग्रेडिएंट। वहां पे जो रोटी बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो क्या है आपका? आटा एंड द वाटर, राइट? ऐसे ही अगर हम बात करें राइस, चावल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? चावल बनाने के लिए आपको चावल चाहिए, कच्चे चावल चाहिए, और उनको आपको पानी में डालना है तो पानी चाहिएगा, राइट? तो राइट, तो इस तरह से दीज आर द इंग्रेडिएंट। आपको खीर बनानी है, खीर के लिए आपको चावल चाहिएंगे, और क्या चाहिए? दूध डलता है उसमें तो दूध चाहिएगा आपको, और क्या उसमें मीठा डलता है तो आपको शुगर चीनी चाहिएगी। तो दीज आर द इंग्रेडिएंट्स, राइट? ऐसे ही राइट, और आपकी राइस होगी, रोटी होगी, इडली होगी। इडली देखिए, इडली जो है साउथ इंडिया में काफ़ी फेमस फूड आइटम है। इसके लिए आपको राइस चाहिएगा, उड़द दाल, उड़द की दाल आपने आपको पता होगी, ठीक है, इट इज़ ए काइंड ऑफ दाल पल्सीज, है ना। सॉल्ट चाहिए, नमक चाहिएगा टेस्ट के लिए, एंड वाटर, ठीक है। उसी तरह से आप कोई भी दाल आप जो है बना रहे हो तो उसमें आपको पल्सेस, वो पर्टिकुलर दाल या मिक्स दाल जो भी है, ठीक है, वाटर चाहिएगा, सोल्ट चाहिएगा, थोड़ा ऑयल या घी आपको चाहिएगा, स्पाइसेस मसाले आपको चाहिएंगे दाल बनाने के लिए। तो दीज आर द इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। अब देखिए, कुछ जैसे राइस हो गया या आपकी जो रोटी होगी उसमें आपको दो या तीन इंग्रेडिएंट चाहिएंगे, राइट? लेकिन जैसे इडली होगी, दाल होगी, या चिकन करी होगी, उसके लिए आपको बहुत सारे इंग्रेडिएंट चाहिएंगे, बहुत सारे स्पाइसेस आप उसमें डालते हैं, तब जाके आपका वो पर्टिकुलर आइटम बन। तो डिपेंड करता है फूड आइटम पे, राइट? सो ये जो आप किसी भी फूड आइटम के लिए जो भी रॉ मटेरियल चाहिए उसको बनाने के लिए, डेट आर कॉल्ड द इंग्रेडिएंट्स, राइट? इसी तरह से आप देख सक इसी तरह से जो है आप एक टेबल बना सकते हैं फूड आइटम्स की, ठीक है, और उसके लिए कौन सा इंग्रेडिएंट चाहिए वो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। कुछ का आपको नहीं पता है तो घर में मम्मी से जो है या पापा से जो है पूछ सकते हैं कि ये इस पर्टिकुलर फूड आइटम को बनाने के लिए क्या 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 चाहिएगा। मान लीजिए आप हलवा बना रहे हैं तो हलवा बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिएगा? सूजी चाहिएगी, है ना, मीठा चाहिएगा आपको, घी चाहिएगा, पानी चाहिएगा, राइट? तो इसी तरह से जो है आप एक लिस्ट बना सकते हैं, और उस फूड आइटम के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए वो आप वहाँ पर तैयार कर सकते हैं, राइट? तो स्टूडेंट्स, ये जो आपकी स्क्रीन पे है इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो भी टॉपिक मैं लेके चल रहा हूँ डेट इज अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी बुक्स, बिकॉज आपका चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या आपका स्टेट बोर्ड्स हो, वहाँ पर भी आपकी एनसीईआरटी बुक्स ही रिकमेंड की जाती हैं, राइट? तो मैं एंड एनसीईआरटी बुक्स आर सफिशेंट इनफ, ठीक है। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, डेट इज फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। तो देखिए, अभी हमने जस्ट इससे पहले अभी जस्ट हमने पढ़ा फूड आइटम्स, डिफरेंट फूड आइटम्स के बारे में, वैरायटीज ऑफ फूड में, है ना, जैसे इडली, चिकन, क्या रोटी, दाल, खीर, है ना, दीज आर द फूड आइटम्स, ठीक है। एंड सेकंड फिर हमने वहाँ पे पढ़ा था इंग्रेडिएंट्स के बारे में, कि भाई आपको अगर रोटी तैयार करनी है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? आटा और पानी चाहिए, वाटर चाहिए, राइट? ऐसे इडली अगर आपको तैयार करनी है तो उसके लिए क्या चाहिए? राइस, उड़द की दाल चाहिए, वाटर चाहिए, और सोल्ट चाहिए, नमक चाहिएगा टेस्ट के लिए, राइट? इसी तरह से अगर आपको खीर तैयार करनी है तो उसके लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिएंगे, राइट? इसी तरह चावल बनाने हैं, दाल बनानी है तो उसके लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिएंगे, राइट? तो वो एक तरह से इंग्रेडिएंट्स हो सकता है रॉ मटेरियल जो आपको उस पर्टिकुलर फूड आइटम को बनाने के लिए कौन कौन से एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स रॉ मटेरियल चाहिएगा, राइट? तो ये है आपके इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। तो हमने फूड आइटम के बारे में पढ़ा, इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट अब इसमें आ जाता है सोर्सेज, कि भाई अब जो ये इंग्रेडिएंट है इनका सोर्स क्या है, ये आ कहाँ से रहे हैं। तो देखिए, मेनली जो हमारा सोर्स ऑफ फूड है, ठीक है, वो मेनली या तो आपके प्लांट्स हैं या फिर आपके एनिमल्स हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बात की थी कि जैसे आपकी दाल हो गई, तो राइट, तो दाल आपकी कहाँ से आ रही है?
सोर्स क्या है, प्लांट्स हैं, है ना। उसी तरह से आपका जो गेहूं है, गेहूं की जो रोटी आप खाते हैं, है ना, तो गेहूं का सो गेहूं जो है, गेहूं क्या है, आपके प्लांट्स हैं, उसकी फसल जो है उगाई जाती है, देन वहां से आपके गेहूं आता है और उससे फिर आपका आटा बनता है, ठीक है। तो या तो आपका जो सोर्स है वो प्लांट है, या फिर आपका सोर्स क्या है, मिल्क है। जैसे कि आपके जितने भी मिल्क के जितने प्रोडक्ट हैं, जैसे आपका बटर हो गया, चीज़ हो गया, घी हो गया, दीज आर ऑल द सोर्स डेट आर कमिंग फ्रॉम एनिमल्स। मीट है, ठीक है, जैसे चिकन, फिश, एग, ये सब भी आपके कहाँ से आ रहे हैं, एनिमल्स से। तो यहाँ पे सोर्स क्या है, एनिमल्स। तो या तो आपके सोर्स प्लांट्स हैं या फिर एनिमल्स हैं, मेनली आपके दो ही सोर्स हैं, राइट। कुछ और टाइप के भी आपके सोर्सेज हो सकते हैं, लेकिन मेनली जो है आपके एनिमल्स एंड द प्लांट, दीज आर द टू सोर्सेज ऑफ फूड, राइट। तो जैसे कि अगर हम इस टेबल में बात करें, तो फूड आइटम है आपका इडली। इडली को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, राइस चाहिए, उड़द दाल, सॉल्ट एंड वाटर। अब सबसे पहले बात करते हैं राइस, चावल। चावल कहाँ से आते हैं आपके, सोर्स क्या है, प्लांट है या एनिमल है। तो देखिए, राइस जो है, चावल, चावल की आपकी खेती होती है, फसल उगाई जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर आपके जो प्लांट है, सॉरी, जो आपके राइस हैं, राइस के प्लांट्स लगाए जाते हैं, पौधे लगाए जाते हैं, फसल लगाई जाती है। तो सोर्स क्या हुआ आपका, प्लांट। उड़द दाल, जितनी भी आपकी दाल हैं उन सब का सोर्स भी क्या है आपका, प्लांट्स ही हैं, राइट। तो अगेन, उड़द दाल का भी सोर्स क्या है आपका, प्लांट है, उसकी भी फसल उगाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका सोल्ट हो गया। अब देखिए, सोल्ट क्या है, सोल्ट आपको मिलता है जो आपका जो समुद्री जो आपका समुद्र का जो पानी है वहाँ, वो कैसा होता है, खारा पानी होता है, क्योंकि उसमें नमक होता है, तो वहां से उसको रिफाइन करके देन आपका सोल्ट आता है, ठीक है। तो सोल्ट के अगर सोर्स के बारे में बात करें, तो सी वाटर इज द सोर्स ऑफ सोल्ट, राइट। नेक्स्ट वाटर, वाटर आप सबको पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया चिकन करी। चिकन करी अगर आप बना रहे हैं, तो उसके लिए क्या क्या चाहिएगा, चिकन चाहिएगा आपको, स्पाइसेस, मसाले चाहिएंगे, ऑयल चाहिएगा या घी चाहिएगा, और वाटर चाहिएगा। तो चिकन, चिकन कहाँ से आएगा आपका, एनिमल से, तो राइट। तो इसका सोर्स क्या हो गया, एनिमल। स्पाइसेस, स्पाइसेस मसाले मोस्टली आपके, इनके आपके प्लांट्स होते हैं, ठीक है, तो वो आपका सोर्स क्या हो गया, प्लांट्स हो गया। नेक्स्ट आपका है ऑयल या घी। देखिए, अब यहाँ पे ऑयल एंड घी, ऑयल तो देखिए, हाँ, ऑयल का सोर्स तो देखिए आपका है प्लांट्स। देखिए, जैसे आपका सरसों का तेल है, राइट, उसी तरह से आपका जो है सूरजमुखी का तेल हो गया, ग्राउंड नट का तेल हो गया, ठीक है। तो जो डिफरेंट टाइप के आपके जो तेल हैं, राइट, वो आपके आते हैं प्लांट्स से, ठीक, राइट। लेकिन अगर हम घी की बात करें, जो देसी घी आपका यूज होता है, तो देसी घी कहाँ से आता है आपका, कहाँ से बनता है, मिल्क से, और मिल्क कहाँ से आता है आपका, एनिमल्स से। तो अगर घी की बात कर रहे हैं, तो सोर्स क्या है, एनिमल। लेकिन अगर ऑयल, किसी ऑयल की बात कर रहे हैं, तो ऑयल का सोर्स क्या है, प्लांट। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑयल एंड घी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फिर खीर है। खीर में देखिए, आपको क्या चाहिए, दूध चाहिए। दूध कहाँ से आता है, एनिमल्स से। राइस चाहिए, राइस की क्या होती है, खेती होती है, तो सोर्स क्या है, प्लांट। उसी तरह से शुगर, शुगर कहाँ से आती है आपकी। अब देखिए, शुगर कहाँ से आती है आपकी, शुगर बनती है आपकी शुगर केन से, गन्ने से। गन्ने की खेती होती है, आप सबको पता होगा, ठीक है। तो गन्ने की खेती होती है, देन वहाँ से गन्ना जो है आपका मील्स में जाता है। मील में जो है, वहाँ पर आपकी गन्ने से क्या बनाई जाती है, शुगर बनाई जाती है, चीनी बनाई जाती है, ठीक है। तो शुगर का सोर्स क्या हुआ, गन्ना। गन्ना क्या है आपका, प्लांट, राइट। तो यहाँ पे क्या है आपका, सोर्स क्या है, प्लांट। इसी तरह से आप और भी यहाँ पर और भी टेबल इस तरह से आगे आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं और देख सकते हैं, या आपको नहीं पता तो घर में आप पूछ सकते हैं, अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हैं, मेरे से डिस्कस कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर फूड आइटम को बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिएंगे, और जो आपके इंग्रेडिएंट्स हैं उसके लिए उसका सोर्स क्या है, वो इंग्रेडिएंट आ कहाँ से रहे हैं, राइट। इससे क्या होगा, देखिए, हो सकता है कि ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन इससे क्या होगा, आपको एक क्यूरियोसिटी आपकी क्रिएट होगी,
राइट right, आपको इसमें आपको इसको करने में इस तरह की टेबल्स, इस तरह की एक्टिविटी करने में मज़ा आएगा, ठीक है, आपको कुछ नया जानने के लिए भी मिलेगा, राइट। तो इस तरह से आप जो है इसको कर सकते हैं। सो मैंने जैसे कि बात की, देयर आर सोर्सेज जो है मेनली दो टाइप के हैं। ये आप नोट्स जो है साथ के साथ वीडियो पॉज करके प्रिपेयर करते रहेंगे, ठीक है। तो सोर्सेज मेनली आपके टू टाइप्स के हैं, वन इज योर प्लांट्स एंड सेकेंड वन इज योर एनिमल्स, राइट। प्लांट्स में आपका क्या है, जैसे कि आपकी दाल होगी, पल्सिस, राइट। ठीक है, पल्सिस हो गए आपकी, ग्रेन्स हो गए, ग्रेन्स में आपका राइस, वीट, सब ये सब आपका किस में आएगा, प्लांट्स में आएगा, ग्रेन्स हो गई, राइट। इस तरह से आपके जो ऑयल्स हैं मोस्टली, ठीक है, ऑयल्स भी जो है उसी में आएंगे आपके। फ्रूट्स हो गए आपके, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो सब्जियां आप बनाते हैं, राइट। इसी तरह से एनिमल्स में आपका मिल्क, चीज, आपका घी, राइट, बटर, राइट, और आपका जो भी आपका मीट प्रोडक्ट है, आपके एग्स। सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ, राइट। तो मेनली आपके दो टाइप के प्लांट एंड एनिमल आर द सोर्सेज ऑफ योर फूड। तो स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके आप यहाँ से नोट प्रिपेयर कर लें, राइट। और इससे नेक्स्ट जो हमारे फर्दर जो इसमें टॉपिक आपके रहते हैं वो हम करेंगे इसके सेकंड पार्ट में। थैंक यू सो मच एंड कीप स्टडी।